13, C 14, and their percentages are their percentages are 99.89, comma 1.108, and 2 into 10 to the power minus 10, respectively. ठीक है? Clear? कितना एक्सेस होता है? C12, C13, C14. C12 कितना है? 98.89. C13 है 1.108 और C14 का negligible है. 2 into 10 to the power minus 10 है. तो percentage कितना हुआ? 0.00000 आएंगे और थोड़ी देर के बाद कौन आएगा? 2. Negligible है. इसको consider नहीं करोगे तो भी चलेगा. नेगलिजिबल है, उसको कंसीडर नहीं करोगे तो भी चलेगा. तो आपको एवरेज एटॉमिक मास 2 के हिसाब से ही निकालना है. किसके हिसाब से? C12 और C13. किसने पूछा C14 को यूज क्यों नहीं किया? क्या बोलोगे? C13 का मास कितना है? परसेंटेज नेगलिजिबल है और परसेंटेज नेगलिजिबल होने की वजह से हम उसको यूज नहीं करेंगे. बिना पूछे आंसर बताना नहीं है. C12 का परसेंटेज परसेंटेज मास. ठीक है, इधर ध्यान दीजिए.
कॉपी क्लोज करो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है CO2 है ना, CO2 इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, कितना है 44 kg, इस 44 में से कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन 3, ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है, उसमें से कार्बन का मास और हाइड्रो ऑक्सीजन का मास। अब मैंने पूछा ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल में कार्बन का जो मास है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में मास के हिसाब से कितना परसेंट कार्बन है, क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन का जो मास है वो कितना परसेंट है, क्वेश्चन समझा नहीं समझा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है और पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो आप मुझे बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में जो मास है उस मॉलिक्यूलर मास में से कार्बन का मास का परसेंटेज कितना रहेगा, कार्बन के मास का परसेंटेज कितना रहेगा, एक मिनट का समय दिया सोचने के लिए, रफ पेज यूज कर सकते हो इस चाहो तो, CO2 में कार्बन का मास परसेंटेज कितना है, मॉलिक्यूल
इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल। इससे मिलेगा परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको किसका परसेंटेज फाइंड करना था, कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट किया, कार्बन का मास कितना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 44 इनटू क्या करना होगा, समझ में आ गया, ऐसे किया, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर जो रहेगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट कितना, 27 कितना रहेगा, 27 समझ में आ गया। फॉर्मूला अब आपके सामने है, आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये रहेगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। इन केस आपके लिए है, इरेज नहीं करूंगा, समय मिलेगा तो लिख लेना है, पहले ध्यान दीजिए। सपोज मैं आपको पूछता हूं, अभी यहां पे हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। कौन से एलिमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालना है, तो बोलो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, तो लिखो यहां पे 32 अपॉन टोटल मास कितना है, 44 इनटू क्या करेंगे, 100 इनटू क्या करेंगे, 100 यहां पे छूट गया था, इनटू क्या करेंगे, 100। और ऐसा जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर, और ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 73% कितना आएगा, 73%। अच्छे से देखना है इसको, कुछ नहीं समझाए तो पूछना है, बाद में दूसरा क्वेश्चन देता हूँ और आपको पर्सनली पूछूंगा, कुछ नहीं समझाए तो पूछ। अब यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल में लिखता हूँ H2O, क्या लिखा, H2O। आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, और आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, जिसको पूछूंगा वही बताएगा, और ये पूरा प्रोसेस एक मिनट के अंदर खत्म कर देना है, टाइम हो गया शुरू।
ये ध्यान दो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है कि मैं आंसर लिख के दे दूं? खुद सॉल्व करना है, ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा आपके लिए, खुद सॉल्व करना या आंसर कॉपी करना? आवाज नहीं आया, खुद सॉल्व करना है। अब इधर भी अच्छा आवाज दिया, ठीक है सर, हो जाओ। कुछ हेल्प चाहिए तो आप बोल देना, ठीक है। उस टाइम पे सेकंड थर्ड दोनों सॉल्व करना है, सीएसटी सीएल भी सॉल्व करना है। आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली लिखोगे तो भी चलेगा। अप्रोक्सीमेट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लुक हियर, हाइड्रोजन मास इज 2, मॉलिक्यूलर मास इज 18 × 100। सॉल्यूशन आपके पास ही होगा फाइनल आंसर, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा। इसमें क्या होगा, 16/18 × 100, क्लियर। इधर थर्ड वाला किसी ने सॉल्व किया, क्लोरीन पता है मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन 3, सब कुछ तो पता है। करो फिर
कैलकुलेटर वापस नहीं करूंगा मिलेगा। अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है, सॉल्व कैसे करना है? कैलकुलेशन में मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं समझाने में हेल्प कर सकता हूँ। कितने लोगों को नहीं समझा कैलकुलेट कैसे करते रहे हो रहे, कितने लोगों को नहीं समझ में आया कैलकुलेट कैसे करते हैं? मतलब मेरे साइड से क्लियर है, कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, इसमें हाइड्रोजन कार्बन कितना निकला? 23। हाइड्रोजन 5.9 अप्रोक्सीमेट 6 लिखता हूं मैं, 7.2। ठीक है, एक आपका डिफरेंस चलेगा, किसी ने 71 लिया किसी ने 72 लिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिना कैलकुलेटर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, मुझे पता है, और मैं कैलकुलेटर यूज करके देखूंगा। एडिशन 100 आ रहा है, एडिशन 100 आ रहा है, हो जाएगा फिर। ठीक है, ये सही है, कितने लोगों का ये सही है? 23। हाइड्रोजन 6 अप्रोक्सीमेट 6 कर दो दूसरे पर। ठीक है, क्लोरीन कितने लोगों ने कैलकुलेट किया? क्लोरीन कितना आया? 70 पॉइंट समथिंग। ओके, 70 बंद कर देते, 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 4, C2H6O1, C2H6O1 अरे C2H6O1 यही बोला तीन बार,
किसका परसेंटेज फाइंड करोगे? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये घर के लिए काम है, जिसको इंग्लिश के होमवर्क बोलते हैं, ठीक है। चलो टॉपिक क्लोज करो। मॉलिक्यूलर मास, ये वर्ड कितने लोगों को पता है? रिसीवर है, मॉलिक्यूलर मास नाम का वर्ड कितने लोगों को पता है? ओके, कोई कितने लोगों को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है? एटॉमिक मास पता रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। ओके, पक्का? सेकंड, ये वर्ड कितने लोगों को पता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नोबडी? ओके, कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब। डू यू नो वाटर, देखा है कभी? कब देखा है? रोज देखते हो? वेरी गुड। पढ़ाई हजम करते हो? हाँ नहीं, हजम हो गया, पढ़ गया। मॉलिक ये आता है H2O। वाटर किसका बना हुआ है? कितने हाइड्रोजन का बना हुआ है? कितने कार्बन का? और हाई ऑक्सीजन। तो वाटर जो रहेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। तो ये वाटर किस किस का बना हुआ है ये बताने का काम का फॉर्मूला करता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा H2O। क्या रहेगा? H2O। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा कि उस कंपाउंड में कितने टाइप के एटम्स हैं और कितने क्वांटिटी में है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मीथेन, क्या लिखा? मीथेन। मीथेन के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कितने कार्बन? कितने हाइड्रोजन? इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन दोनों का बना हुआ है। तो इसका कंपोजिशन क्या हो गया? C1H4। क्या हो गया? C1H4 लिखेंगे, CH4। तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, किसका किसका बना हुआ है? आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड का कंपोजिशन पता है, कितने हाइड्रोजन, कितने सल्फर, कितने ऑक्सीजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा H2SO4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है जो फॉर्मूला इस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बताने का काम करेगा। क्या बताने का काम करेगा? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है वो किससे बना हुआ है, ये बताने का जो काम करेगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये बताने का काम किसने किया है? किसने? तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेन किसका बना हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन। कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ये बताने का काम किसने किया? ये बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड कितने एटम्स का बना हुआ है, कितने क्वांटिटी में बना हुआ है, ये बताने का काम किसने किया? तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैंने आपको बोला कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन बना, तो कैसे बनाओगे? The formula which tells about the composition of any compound or composition of any molecule. सही बोला गलत बोला? ये formula क्या बताता है? किसका? ये formula किसका काम बताता है? मीथेन का क्या बताता है? Composition। ये formula क्या करता है? Composition बताता है किसका? तो जो फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बताने का काम करता है उस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे? फिर से बोल रहा हूँ,
जो फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन बताने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? द फॉर्मूला विच टेल्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, एक बार फिर से बोलो, द फॉर्मूला विच टेल्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, लिखो फिर, अभी जो बोला वही लिखना इंग्लिश में। एग्जांपल्स बाद में, पहले डेफिनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। ठीक है, डेफिनेशन बनाने के लिए कुछ भी मत बनाना, ठीक है, लॉजिकली बनाना। नाइट्रिक एसिड,
एन एस थ्री हो गया, एन एस फोर हो गया, एन एस फाइव पॉसिबल नहीं होता है। एनओ टू एच एन ओ थ्री दैट्स करेक्ट वन, गुड। एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड, उसके बगल में जगह होने पर लिखना है उसका एम एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, वो आपको ही पता है, मुझे नहीं, भूल गया मैं। इन सिंपल रेशियो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डेफिनेशन क्या बनेगा,
द फॉर्मूला इज द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन सिंपल रेशियो. अभी पहले डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल बता दो. ठीक है, डेफिनेशन हो गया. एग्जांपल वन लिखो, इथेन. एग्जांपल वन इथेन लिखो. एम एफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6. उसके नीचे लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? C1H3. समझ में आ गया? नहीं समझा? देखो, कुछ कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. इधर ध्यान दो, यहाँ लिखा मैंने H2O, यहाँ लिखा मैंने वाटर. क्या लिखा? वाटर. और मुझे यहाँ लिखना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अब इसका रेशियो कितना है? क्या उसको और सिंपल कर सकते हैं? लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो वो क्या होगा? H2O. तो इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कैसे है? क्यों? क्योंकि इसको सिंपल रेशियो में ला सकते है? नहीं ला सकते. सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ H2SO4 और इसको कह दिया कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4. मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है. इन केस मैं यहाँ लिखता हूँ इथीन. Do you know इथीन? इथीन ENE. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4. कितना होता है? C2H4. ये क्या है? मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल. अब मैंने पूछा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C1H2. क्या रहेगा? C1H2. वन लिखते नहीं हम लोग, लेकिन सोचते कि वहां पे वन है, तो ये रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास फाइंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पक्का? आपने बोला, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास. और एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल मास. क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल मास. समझ में आ रहा है? चार बातें साथ में फाइंड करना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास. क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास. मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से एम्पिरिकल मास. समझ गए? कुछ जो समझाए वन वर्ड में लिख लो. एग्जांपल देता हूं मैं, तो लिखा हुआ तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वन वर्ड में लिख सकते हो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए एम्पिरिकल मास.
ठीक है। चलो एग्जाम्पल वन, ब्यूटेन, कौन है ब्यूटेन, सॉल्व कैसे करना है पहले वो समझ लो। सबसे पहली बार जो आपको बात लिखनी है वो लिखनी है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है। जस्ट उसके नीचे लिखना है मॉलिक्यूलर मास, उसके नीचे लिखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और उसके नीचे लिखना है एम्पिरिकल मास। समझ गए नहीं समझे? पक्का? ओके ठीक है, बहुत अच्छी। आवाज किसी का नहीं आएगा सिवाय मेरे। ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H10, कार्बन चार्ज कितना होगा 48 प्लस 10 कितना 58 AMU। एम्पिरिकल फॉर्मूला H5, ये बन जाएगा 29U, सही है? Yes or no? Yes. नाइट्रिक एसिड, यही चार बातें थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N3O3, मॉलिक्यूलर मास 63, एम्पिरिकल फॉर्मूला H3O3, इसलिए जल्दी हो गया, सही है ना, इसलिए जल्दी हो गया। एसिटिक एसिड नाम सुना है? क्या है फॉर्मूला? CH3COOH, इधर ध्यान दो। लेकिन आपको क्या करना है, सभी को कंबाइन करके लिखना है। कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, तो दिस विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे बनाओ समझा? नहीं समझा? इसमें क्या है, कुछ कार्बन इधर पड़े, कुछ कार्बन उधर पड़े हैं, दोनों को कंबाइन किया, कुछ हाइड्रोजन वहां पे, कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे, उनको कंबाइन किया, एक साथ लिख दिया। आपका नाम क्या है? मीत। संभल कर रहना, ठीक है? पहले कौन से स्कूल में थे? अल्ट्रा में चले। नेक्स्ट नाम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। मॉलिक्यूलर मास 60। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O1। वेरी गुड। और एम्पिरिकल मास कितना? 30। नेक्स्ट विल बनेर आपका बहुत पसंदीदा कौन? बेंजीन। अरे इसमें भी खराब है, मैटिक नहीं, ये पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? बेंजीन। हाँ पता है ना, बेंजीन देखा है, खाया है, वो ही तो नहीं पता इसलिए तो। C6H6। वेरी गुड। फॉर्मूला ये C6H6। खेल तो यही से शुरू होता है, फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो क्या करोगे?